तो क्या आप एक फोन लेना चाहते हो और यहाँ पे आप जो कंफ्यूज हो कि क्या आप एक हाई एंड प्रोसेसर के साथ कम जीबी का रैम लो या फिर जो है मिड रेंज प्रोसेसर के साथ ज्यादा जीबी का रैम लो, तो यहाँ पे आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन को मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ कि आपको किस टाइप का कॉम्बिनेशन पिक करना चाहिए किसी भी फोन को खरीदते हुए। सो मेरा नाम है दोमेंद्र, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब आप किसी फोन को खरीदते हो तो वहाँ पे आपको तीन चार चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो पहला हो गया आपका जो प्रोसेसर होता है, दूसरा हो गया आपका रैम हो गया, तीसरा आपका जो स्टोरेज टाइप हो गया, और चौथा पांचवी चीजों में जो आपका डिस्प्ले, स्पीकर, ये सारी चीजें जो है आती हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे साइड बाई साइड एक जो है सेम प्राइस के फ़ोन को एक कम प्रोसेसर के साथ कंपेयर करेंगे और दूसरा जो है ज़्यादा प्रोसेसर के साथ कम रैम के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपका जो 17,000 का 730G के साथ आपका 4GB का रैम फ़ोन है इस साइड में, दूसरे साइड में है आपका यार जो है 17,000 का ही फ़ोन है वो भी यहाँ पे, लेकिन आपको 6GB का रैम देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे 665 देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको बेटर परफॉर्म कौन करता हुआ दिखेगा, तो देखो यहाँ पे लॉजिक ये समझना कि कस्टमर को कैसे वो लोग उल्लू बनाते हैं। तो जो भी कस्टमर रहता है वो दुकान में गया, इसमें स्नैपड्रैगन लगा है, स्नैपड्रैगन ये है वो है ऐसा है वैसा है, उसको फंसा लेंगे। उसके बाद इसमें 6GB का ज़्यादा रैम है, इसमें 4GB का रैम है, बट नॉर्मल कंज्यूमर ये नहीं समझ पाता कि जो इसमें स्नैपड्रैगन 730G लगा है और जो 4GB लगा है तो उसमें का वो 4 का 4GB पूरा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेगा, आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा देगा एज़ कम्पेयर टू 665 जिसमें आपको जो है 6GB का रैम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे घुमा फिरा के बात यहाँ पे ये निकल के आ जाता है कि अगर आपका प्रोसेसर ज़्यादा है और आपका रैम थोड़ा सा कम भी है बट वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, मतलब 4GB का है तो 4GB पूरा यूटिलाइज करेगा, अगर 6GB मिल रहा है तो 6GB को पूरा यूटिलाइज करेगा, बट ऑन दी अदर हैंड जैसे कि यहाँ पे आपको 665 देखने को मिल जाता है बट वो 6GB का रैम कभी भी यूटिलाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको नॉर्मल प्रोसेसर देखने को मिल रहा है और ज़्यादा रैम के साथ मिल रहा है तो बैकएंड में आपको माइंड में ये रखना पड़ेगा कि हाँ ये पूरा कंज्यूम होगा कि नहीं होगा। ज़्यादातर केसेस में 6GB का रैम जो है कोई कंज्यूम होता ही नहीं है, मैंने अपने लाइफ में जितना भी देखा है जो भी फोन्स देखे हैं ऑलमोस्ट 4GB 4.5GB उससे ज़्यादा नहीं जाता है। आप यहाँ पे वाइजली चूज़ करो कि आपको एक बेटर परफॉर्मिंग फ़ोन चाहिए कि ज़्यादा रैम वाला फ़ोन चाहिए। ज़्यादा रैम होने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, ज़्यादा प्रोसेसर होने से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। 730G का जो ISP है वो 665 से ज़्यादा रहेगा, इसका स्पीड है वो ज़्यादा रहेगा, इसका जो आपका ग्राफिक्स परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा रहेगा, गेम खेलोगे तो ये ज़्यादा अच्छे से हैंडल करेगा। तो यहाँ पे क्लियर डिफरेंस देखने को मिल जाता है कि स्मार्टफोन कंपनीज जो है आपको कैसे उल्लू बनाने का भरसक प्रयास करती है कि आप सेम प्राइस में ये वाला फ़ोन ले लो जिसमें उनको ज़्यादा मार्जिन देखने को मिलता है, जबकि आप उसके अलावा जो वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है उसको सिर्फ ये सोच के डिच कर दे रहे हो कि यहाँ पे आपको सिर्फ 4GB का रैम देखने को मिल रहा है जबकि यहाँ पे आपको जो 6GB का रैम देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको जो है यार हमेशा एक हाई एंड प्रोसेसर वाला ही फ़ोन लेना चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर और कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि ये सेम प्रोसेसर है यहाँ पे आपको जो 730G देखने को मिल रहा है, अब यहाँ पे 4GB का रैम दे रहे थे ना जो कंपनी वाले हैं, अब इस 4GB को घटा के अगर 2GB कर दिए और यहाँ पे आपका 665 है और इसका इसमें अभी भी जो है 6GB रैम है, तो यहाँ पे आप कौन ज़्यादा परफॉर्म करेगा, ये कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है 665 ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा, क्यों? क्योंकि आपका जो 730G है अब वो 2GB रैम के साथ जो है बॉटल नेक करना स्टार्ट कर देगा, तो मतलब आप जब उसको पूरा रैम नहीं दे रहे हो तो ये वाला जो फ़ोन है अब कम परफॉर्म करने लग जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको रिसोर्सेज बचाने पड़ रहे हैं। प्रोसेसर अगर आप जो अच्छा चूज़ करते हो अपने दिमाग में ये कंसिडर करके कि हाँ मेरे को जो है फ़ोन को लॉन्ग टर्म में यूज़ करना है, तो आपको इस चीज़ को हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको प्रोसेसर सही मिले, कोई कम वेरिएंट वाला प्रोसेसर आप ना उठा लो। तो अगर आपको VPN के फायदे और नुकसान जानना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपको जो है किसी भी ऑडियो वीडियो या किसी भी फाइल से आपको नॉइस रिमूव करना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है सिर्फ 2 क्लिक में पूरे के पूरे बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर दिया है। मैं मिलता हूँ आपको इन दोनों वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।